वेलकम गाइज टू दार्ट टू ऑफ टॉप ट्वेंटी ए डब्ल्यू एस इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो ए डब्ल्यू एस क्वेश्चन जो आज के टाइम भी सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज में पूछे जा रहे हैं और मैं इसके बहुत सारे पार्ट्स रिलीज़ करने वाला हूँ तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाईओं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना ठीक है चलो बिना किसी तरीके हम बात करते अपने पहले

उसको एक ऐसा सोल्यूशन डिजाइन करना है जब मेरी प्राइमरी वेबसाइट अनवेलेबल हो तो यूजर्स एक स्टैटिक एरर पेज की तरफ ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाए ठीक है एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट को ये करना है बाई मिनिमाइज द चेंजेस इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर तो अगेन गाइस एक सोल्यूशन को बनाने के बहुत तरीके हो सकते हैं बट आप कौन सा सोल्यूशन आप प्रेफर करते हो दैट इज यू ओके सो मैंने एक सोल्यूशन जो इसका डिजाइन मैं आपको अभी हम डिस्कस करेंगे बट आप वीडियो पॉज करके करके सोच के और मेरे से मैच देख सकते हैं right? और अगर आपको इसका बेटर कोई तो प्लीज फील फ्री टू आर्किटेक्ट विल डू हेयर कॉन्फिगरे में क्या होता है आपके एक्टिव है और एक पैसिव कॉन्फिग्रेशन होती है एंड दैट

वो हिट करता है जैसे मान लो 200 हंड्रेड रिस्पॉन्स कोड नहीं आ रहा है मान लो लेट से फाइव हंड्रेड फोर आ रहा है फाइव टू आ, 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 आ रहा है तो वो क्या करता है पैसे कॉन्फिगरेशन में स्विच कर देता है ऑटोमेटिकली सो पैसे कॉन्फिगरेशन में मैं अपना एक सेटिक पेज रखूंगा जिसके पे थ्रू मैं थ्री पर डायरेक्ट कर सकता हूँ राइट right. और इसका एक दूसरा तरीका क्या है ये भी है बट उसमें आपको मैनुअली इंटरफेयर करना पड़ेगा आप अपने लोड बैलेंसर के अंदर दो लिस्नर्स बना सकते हो और एक लिस्नर को सीधा आप फॉरवर्ड कर सकते हो कि एक स्टैटिक एरर पेज पे और राइट फॉरवर्ड टू अ कस्टम पेज दैट इज अर एरर पेज सो फॉर एग्जांपल आउट फिफ्टी थ्री पॉइंट करेगा डोमेन ए के डी पे और वो ए एल डायरेक्ट आपका जाएगा आपके उस लिस्नर जाके जहाँ के आपने अपना कस्टम कॉन्फिग्रेशन पेजेमल पेज डाल रखा है तो so दोनों तरीके हो सकते हैं बट ये तरीका मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा बिकॉज में आपका मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है दैट विल्थ चेक्स ऑल राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं वर्क लोड ऑन ईसीज नीड्स टू कम्युनिकेट इच द फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्स लो नेटवर्क परफॉर्मेंस लो लेटेंसी एंड हाई थ्रो पुट तो ये तो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप चाहते हो कि इंस्टेंसिस के बीच में लो लेटेंसी रहे हो हाई नेटवर्क थ्रो पुट रहे तो so क्या चीज अब यूज करोगे

वगैरह वगैरह ठीक है तो आपको ये क्वेश्चन हर अपने इंटरव्यू में देखने को मिल सकता है और इसको समझना डिस्कस करना बहुत जरूरी है तो चलो इसको डायग्राम से समझते हैं हाईली अवेलेबल का मतलब क्या होता है माई एप्लीकेशन शुड बी होस्टेड इन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स सो दो अवेलेबिलिटी जोन्स पिक्चर में आएंगे एक रीजन के अंदर दिस इज लेट्स से दिस एजी वन एन एजी वन बी सबसे पहले मैंने क्या करा है मेरा एक क्लाउड फ्रंट भी पिक्चर में आएगा राउंड फिफ्टी थ्री भी है इसमें अपने डी एन एस मैपिंग करूंगा लोड बैलेंसर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑटो स्केलिंग मेरे इंस्टेप एप्लीकेशन को इंस्टेंसेस को अप करेगा पेज दोनों सर्टिन थ्रेश होल्ड ऑटोमेटिकली भी स्नैपशॉट बनेंगे जो कि एस टी में जाकर स्टोर होंगे और मेरा स्टैटिक जो कंटेंट है मैं अपनी वेबसाइट का स्ट्री पर डालूंगा सिमिलरली डेटाबेस की बात की जाए तो डेटा बेस में मैं हाईली अवेलेबल बनाने के लिए मैं उसको एक स्टैंड बाई रेप्लिका चला सकता हूँ मल्टी एजी के अंदर सो आई विल ऑपरेट माई डाटा बेस इन मल्टी एजी मोड सो वॉट विल हैपन है सबसे पहले रिक्वेस्ट क्लाउड फ्रंट पे आएगी यू नो दैट क्लाउड फ्रंट यूटिलाइज एज लोकेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड उन एज लोकेशन पर कंटेंट कैश हो जाता है जिसके थ्रू वो बाकी जितने भी यूजर्स होंगे उस पर्टिकुलर रीजन के उनको कंटेंट जल्द से जल्द डिलीवर हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एज लोकेशन राइट मुझे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज बनाना है हाईली अवेलेबल बनाना है और फॉल्ट टॉलरेंट बनाना है फॉल्ट टॉलरेंट जैसे मेरा एक फॉल्ट होने का मतलब क्या होता है कि मेरा एक भी सर्वर मेरा एक भी इंस्टेंस अगर अनहेल्दी हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाए एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द ऑटो स्केलिंग ग्रुप राइट सो मैं अपने यहाँ पे एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप लगाऊंगा अपने वेब दिस इज अ थ्री टी आर्किटेक्चर राइट दिस इज द वेब टीयर दिस इज द एप टीयर एंड दिस इज द डेटा बेस थीयर तो दिस टीय आर्किटेक्चर एंड वी विल वॉट वी हैव डन इज वी हैव यूज मल्टीपल अवेलेबिलीज सो दिस इज एजी वन ए यू द ऑरेंज डॉटेड लाइन यू सी हेयर इज एजी वन ए यू एस टी स्टन एंड दिस इज यू एस टीस्ट वन बी राइट सो मैंने क्या करा है मैंने ऑटोस्किल ग्रुप का यूज़ करा है मैंने मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन से अपनी वेबसाइट को यूज़ करा है और वेब टीयर जो है वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा मेरे एप्लीकेशन टीयर पर विद द हेल्प ऑफ द इंटरनल लोड बैलेंसर ओके और ये इंटरनल लोड बैलेंसर कहाँ डेटा बेस क्वेरी फैच करके लाएगा और मैं अपने आर डी एस को ऑपरेट करूंगा मल्टी एजी फॉर्म में एंड मल्टी एजी का मतलब क्या होगा यहाँ पे असिंक्रोनस एप्लीकेशन होती है मेरे री मास्टर इंस्टेंस में और मेरा जो रीड रेप्लिका है ये मेरा एक रीड रप्लिका है और ये जो इस पर एस लिखा है मेरा स्टैंड बाय है मतलब ये दोनों तो मल्टी एजी हो गया मल्टी एजी का मतलब मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में सो so मास्टर और स्टैंड बाय के बीच में तो सिंक्रोनस एप्लीकेशन होता है वैन एवर यू आर ऑपरेटिंग डेटाबेस इन मल्टी एजी बट रीड रेप्लिका और मास्टर डेटाबेस के बीच में असिंक्रोनस एप्लीकेशन होता है और राइट सो देर इज नो लेटेंसी लाइक नो मिली सिंगल मिली सेकेंड लिटेंसी भी नहीं होती सिंक्रोनस जगह इसमें थोड़ी सी लेटेंसी आती है जब हम असिंक्रोनस एप्लीकेशन की पा बात करते हैं बाकी मेरा स्टैटिक जो कंटेंट होगा वो सारा मेरा एस3 पे होस्टेड रहेगा जिससे कि मेरे इस पे डेटाबेस पे कम से कम प्रेशर आए और क्वेरीज कम से कम आए जो कि स्टैटिक क्वेरीज की बात हम कर रहे हैं अब मैंने अपने एस3 पे भी क्रॉस रीजन एप्लीकेशन लगा रखा है तो मेरा सारा का सारा डेटा मेरा ऑलरेडी बैकअप हो रहा है एक दूसरे रीजन में ऑलराइट तो ये है कुछ

एंड एजीज और एजी देट मीन्स अवेलेबिलिटी जोनस आर डिस्टिंग जियोग्राफिकल लोकेशन इंजीनियर टू बी इन्सोलेटेड फ्राम फेलियर्स इन अदर एजी सो हर एक एजी अवेलेबिलिटी जोन का मतलब क्या होता है डेटा सेंटर हर एक डेटा सेंटर दूसरे डेटा सेंटर से कम्प्लीटली आइसोलेट होता है इस एक मतलब क्या कहने का आइसोलेट होता है अगर मेरा मुंबई में मेरा डेटा सेंटर डाउन हो गया इसका मतलब ये नहीं कि जो मेरा डेटा सेंटर दिल्ली में है उस पर कोई अफेक्ट पड़ेगा दे आर कंप्लीटली आइसोलेटेड विद ईच अदर एच जो लोकेशंस याद रखना एज लोकेशन में मेरा सारा कंटेंट कैश होता है कंटेंट कैश होने के होने के बाद वो कंटेंट डायरेक्टली एज लोकेशन से यूजर को डिलीवर हो जाता है कब डिलीवर होता है जब सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट एक यूजर के बाद बाकी के जो यूजर्स आएंगे वो सेम कंटेंट को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो सेम कंटेंट बार बार मेरे वेब सर्वर पर ना आके मेरा एज लोकेशन से यूजर को डिलीवर हो जाएगा ओके एज लोकेशंस का फायदा क्या होता है दे विल प्रोवाइड यू द लो नेटवर्क लेटेंसी कनेक्टिविटी And your content will be delivered much faster. And by placing the EC2, highly available highly available architecture, in matlab kya hua? we will be placing our instances in multiple availability zones so that the application can be protected from a single point of failure. And it is imp important to run independent application stacks in more than one AC. Okay. यहाँ so तो तो okay? so पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो कि मतलब नॉट जस्ट अंटर क्वेश्चन बट आपको पता होना चाहिए कौन सी सर्विस अगर इंटरव्यू आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जिसमें कुछ ऐसा हुआ कि कौन सी सर्विस यूज करें तो मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूं उस उन क्वेश्चंस का भी क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं जहां बात आती है सिंगल डिजिट मिली सेकेंड लिटेंसी डेटाबेस की वहां हम यूज करते हैं डायनमोटी जहां बात आती है रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ एडब्ल्यू सर्विसेज की वहां बात आती है क्लाउड वॉच की ठीक है याद रखना सिंगल डिजिट मिली सेकेंड लिटेंसी डेटाबेस कौन सा है डायनोटीबी डायनमोडीबी नो एस्यूअल डेटा बेस रियल टाइम मॉनिटरिंग आप यूज कर सकते हो क्लाउड वॉच के थ्रू क्लाउड वॉच में ऑप्शन होते हैं कि आप क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप्स लॉग ग्रुप्स क्लाउड वॉच के थ्रू आप क्वेरी भी चला सकते हो ठीक है जिससे कि आप लॉग ग्रुप से डेटा करके उसके डैशबोर्ड्स भी बना सकते हो और जहां बात आती है कि यूजर्स को साइन इन करना है साइन अप करना है मोबाइल पर इजिली तो वहां पर यूज होता है कॉगनीटो ठीक है साइन इन साइन ऑन एक्सेस कंट्रोल ऑफ एवन मेमरी मोबाइल एप्स क्यू क्लीन इजिली दैट्स वेयर कोगनीटो कम्स इन टू पिक्चर ऑल राइट सो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको दिमाग में डालना चाहता था बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी भी क्वेश्चन के एक पार्ट में चाहे ये चीजें मैंशन है तो आपको सर्विजा रखनी है कौन सी सर्विसेज यूज़ करनी है गाइज ओके सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसका मैं पार्ट थ्री अब बहुत जल्दी लॉन्च करूंगा और ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाते तो कुछ और पूछा जाएगा बट जो पूछा जाएगा वो इन्हीं सिनेरियो से रिलेटेड होगा सो प्लीज़ गाइज़ वीडियो पसंद आई तो मेरे भाइयों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और मैंने कम्प्लीट ई के एस का कोर्स मैंने डाल रखा है आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो मैंने यूडीबी पे पी पे रिलीज़ कर दिया है और गाइज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट सेलिंग कोर्स बन चुका है वो अब तक का तो प्लीज़ गाइज़ आप जाके अभी उस कोर्स को बाय करो बिकॉज डेवॉप्स में हाईली जो डिमांडेड स्किल है वो है क्यूबरनेटिस एंड क्यूबरनेटिस इन क्लाउड इज ई के एस दट इज सर्विस विच इज़ अ सर्विस ऑफ ए डब्ल्यू एस पूरा कोर्स निकाल दिया है ई के एस के इन एंड आउट कर जाके देखना एंड थैंक यू वाइस फॉर वॉचिंग सारा मेरे भाइयों से एक रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना लव यू ऑल एंड विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू